सेवर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का बच्चों टॉपिक यूनिट सेकंड थी बच्चों हमारी अम्ल भस्म तथा लवण। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। पहले की वीडियो में हम अम्ल जो हेडिंग थी हमारी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको अम्ल के बारे में पढ़ना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर अम्ल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि क्षार किसे कहते हैं। क्षार बच्चों किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं बच्चों क्षार किसे कहते हैं। तो बच्चों क्षार का मैंने आपको स्वाद बताया था कि क्षार या भस्म का स्वाद कैसा होता है बच्चों, बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर होता है। क्षार या भस्म को छूने से वो साबुन जैसे महसूस होते हैं और क्षार या भस्म लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बच्चों मैंने बताया था कि अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, वहां पर मैंने आपको की पॉइंट दिया था। बी और आर आपको याद रखना है, मतलब मेरा नाम आपको याद रखना है, मतलब बाबू राम। बी का मतलब बच्चों ब्लू, आर का मतलब बच्चों रेड। तो बच्चों लिटमस पेपर को ब्लू को कौन करते हैं? रेड। अम्ल करते थे। किसको करते थे? अम्ल बच्चों ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते थे और क्षार जो है बच्चों वो रेड को क्या करेंगे? ब्लू। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है बच्चों। तो क्षार किसका स्वाद कैसा होता है? बिटर होता है, मतलब थोड़ा सा कड़वा होता है आप कह सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है बच्चों कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है बच्चों इसका NaOH। आपको फॉर्मूला भी नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों आपका वॉशिंग सोडा, मतलब धावन सोडा जिसे आप कहते हैं, इसका होता है बच्चों Na2CO3.10H2O। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं KOH या कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं बच्चों? कास्टिक पोटास, बुझा हुआ चूना, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। क्या बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं सभी के, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बुझा हुआ चूना, इसके अच्छे उदाहरण है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास सभी मेटल के ऑक्साइड, जितने भी मेटल होते हैं उन सभी के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, ये या तो क्षार कहलाते हैं या भस्म कहलाते हैं। मेटल मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जितनी भी धातुएं आपने सुनी है बच्चों उन सभी के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ये सभी कैसे होते हैं? आपके क्षार होते हैं। ठीक है बच्चों। तो जानते हैं बच्चों क्षार के प्रकार। क्षार या भस्म के लगभग सभी रासायनिक गुण किसके जस्ट अपोजिट होते हैं बच्चों? अम्ल के। किसके अपोजिट होते हैं? अम्ल के। तो बच्चों क्षार के जितने भी रासायनिक गुण हैं वो अम्ल के अपोजिट होते हैं। क्षार या भस्म अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं और या उदासीन कर देते हैं और लवण और जल बना। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एसिड जब भी किसी लवण के साथ रिएक्शन, सॉरी बच्चों एसिड जब भी किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और क्या बनता है? वाटर बनता है बच्चों। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है बच्चों, यहां से आप एक रिएक्शन और ध्यान रखेंगे। मैंने कहा था कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को प्रतिक्रिया करके क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। तो बच्चों ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसी अभिक्रिया में क्या क्या बनता है? अम्ल बनते हैं और लवण बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। लवण और जल बनते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट क्षार या भस्म होते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, इसके उदाहरण मैंने बताया आपको कैल्शियम। ठीक है बच्चों, एक एल्केनी अर्थ मेटल्स है, मतलब क्षार या मृदा धातु में बोलते हैं बच्चों। कौन कौन सी? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, इस तरह की जो धातुएं जिन्हें आप सेकंड कहते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये बच्चों आपकी क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है कैल्शियम एक क्षारीय धातु है बच्चों, क्षारीय मृदा धातु है, और कैल्शियम का ऑक्साइड भी आपका कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड कार्बोनेट सभी कैसे होंगे? क्षार होंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरा बेटा, दूसरा उदाहरण आपके सामने सोडियम कैसा है? क्षार धातु है। कैसा है? क्षार धातु है बच्चों। तो आप देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है बच्चों, लिथियम, ठीक है, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल हैं वो कहलाती हैं एल्केली मेटल्स, मतलब क्षारीय धातुएं। तो बच्चों क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं इन सभी के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट क्षार या भस्म होते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं बच्चों, मैंने क्या बताया?
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी आपके क्षार धातुएं होती हैं। और दूसरा था बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, ये सभी आपकी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। तो इन सभी के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट कैसे होते हैं बच्चों? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों क्षारीय भस्म के प्रकार। तो बच्चों क्षारीय भस्म दो प्रकार के होते हैं, एक जो जल में घुल जाते हैं और दूसरे जल में नहीं घुलते। तो पॉइंट नंबर वन, पानी में घुलनशील क्षार। पॉइंट नंबर टू, पानी में अघुलनशील क्षार। पानी में घुलने वालों को बच्चों बोलते हैं एल्केली, और पानी में जो नहीं घुलते हैं उन्हें बोलते हैं बेस। तो अधिकांश क्षार या भस्म पानी में अघुलनशील होते हैं। तो बच्चों एल्केली क्षार या भस्म जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें एल्केली कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन से बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी बच्चों, जितने भी क्षार या भस्म होते हैं वो पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? घुलनशील होते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ से करेक्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों? अधिकांश क्षार या भस्म पानी में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ से आप इसे करेक्ट करेंगे बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके जल में घुलने वाले हैं बच्चों। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक महत्वपूर्ण क्षार या भस्म है, और यह नॉन मेटल का एक हाइड्रोक्साइड है। किसका है बच्चों? नॉन मेटल का, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। क्या होता है बच्चों? NH4OH। ये एक दुर्बल क्षार होता है। तो अमोनियम नॉन मेटल का एक क्या है? हाइड्राइड है, परंतु यह एक क्षार या भस्म है। चूंकि अधिकांश प्रतिक्रियाएं जलीय अवस्था में होती हैं, तो पानी में घुलनशील क्षार या भस्म अध्ययन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चों जो पॉइंट नंबर वन है घुलनशील क्षार, तो अधिकांश क्षार या भस्म पानी में घुलनशील होते हैं। एक तो ये पॉइंट आप करेक्ट करेंगे कि पानी में घुलनशील होते हैं, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक के हिसाब से बच्चों, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्षार या भस्म के सामान्य गुण। तो बच्चों क्षार का भस्म जलीय घोल छूने से साबुन की तरह होता है। क्षार या भस्म लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, मैंने आपको बताया था। क्षार या भस्म का स्वाद कैसा होता है बच्चों? तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा होता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, क्षार या भस्म एसिड को प्रतिक्रिया के क्रम में उदासीन बना देता है। मैंने आपको बताया था बच्चों क्षार या भस्म एसिड से क्रिया करके उसे क्या कर देते हैं बच्चों? उदासीन कर देते हैं। मतलब एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसे क्या कर देता है? उदासीन, न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब ये रिएक्शन आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षार या भस्म में पानी को मिलाना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, क्षार या भस्म एक साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं।